नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम एक रोचक कहानी सुनने जा रहे हैं, जिसका नाम है मेहनती रामू और उसका नया दोस्त एलियन। प्रकाशपुरा गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम रामू था। वो एक मेहनती और ईमानदार किसान था। वो अपने खेत में मकई की खेती करता था। मकई उसकी पसंदीदा फसल थी। वो इसे बेहतरीन तरीके से उगाता था। उसका मक्का गांव के आसपास के लोगों को बहुत पसंद आता था। वो इसे अच्छे दाम पर बेचता था। रामू अपने घर से निकला और मकई की खेत की ओर बढ़ा। वह अपनी फसल को देखकर खुश हुआ। वह जानता था कि उसने बहुत मेहनत की है और उसका फल मिलेगा। वह अपने परिवार के बारे में सोचता रहा। वह अपनी पत्नी को एक नया साड़ी और अपने बच्चों को एक नया स्कूल बैग देना चाहता था। वह अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए पैसा बचाना चाहता था। वह अपने आने वाले भविष्य के लिए उम्मीदवार था। यह एक अजीब और रोमांचक ग्रह है। यहाँ के लोग और उनकी संस्कृति कैसी होगी, मुझे उनसे मिलना है और उनसे बात करना है। हाय राम, कितना अच्छा मक्का है। इस साल मुझे बहुत अच्छा मुनाफा होगा। मेरी मेहनत का फल मिल रहा है। एक दिन रामू अपने खेत में काम कर रहा था, तभी उसने एक अजीब आवाज सुनी। वो अपना काम छोड़कर खेत की ओर दौड़ा। अरे कौन है वहाँ? कौन है जो मेरे खेत में घुस आया है? रुको रुको, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। रुको रुको। नमस्ते, मैं एक एलियन हूँ। मुझे आपके बारे में जानना है। आप कौन हैं और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? रामू चौंक गया। उसने कभी भी एलियन नहीं देखा था। वो एलियन को डरावना और अजीब लगता था। वो एलियन से दूर भागना चाहता था, लेकिन उसे लगा कि एलियन उसे पकड़ लेगा। वो एलियन के साथ शांत रहने का फैसला किया। नमस्ते, मैं रामू हूँ। मैं एक किसान हूँ। मैं अपने खेत में काम कर रहा हूँ। आप यहाँ क्यों आए हैं? आप मुझे नुकसान तो नहीं पहुँचाएंगे? मुझे बस आपकी जिंदगी और संस्कृति के बारे में जानना है। मुझे आपकी फसल के बारे में बताइए, यह क्या है और इसका उपयोग कैसे किया जाता है? मुझे नहीं पता कि आप कौन हैं और आप यहाँ क्या चाहते हैं। मुझे आप पर भरोसा नहीं है, लेकिन अगर आप वाकई मुझे कुछ नहीं करोगे तो मुझे आपसे बात करने में कोई हर्ज नहीं है। आप मुझसे क्या पूछना चाहते हैं? मुझे खुशी हुई कि आप मुझसे बात करने के लिए राजी हैं। मेरा पहला सवाल यह है कि आप एक किसान हैं, तो आपका काम क्या है? आप अपने खेत में कौन कौन सी फसल उगाते हैं और आप उन्हें कैसे बेचते हैं? मेरा काम है कि मैं अपने खेत में मकई की फसल उगाता हूँ। मकई एक प्रकार का अनाज है जो आहार में उपयोग किया जाता है। मैं मकई को कटने, धुलने, भूनने और मकई के दानों में बदलने के बाद उससे पॉपकॉर्न, मकई की रोटी, मकई का सूप और अन्य व्यंजन बनाता हूँ। मैं उन्हें अपने गांव के लोगों को बेचता हूँ या फिर शहर के बाजार में ले जाता हूँ। मुझे अपने काम से अच्छी कमाई होती है। आप अपने खेत से इतने सारे व्यंजन बनाते हैं जो लोगों को ऊर्जा और पोषण देते हैं। आपको अपने काम पर गर्व होना चाहिए। मेरा दूसरा सवाल यह है कि आपकी संस्कृति कैसी है? आपके गांव में कौन कौन से रीति रिवाज, त्योहार, खाना, कपड़े, संगीत, नृत्य और अन्य कला है, और आप उन्हें कैसे मनाते हैं? मेरी संस्कृति बहुत ही सुंदर और समृद्ध है। मेरे गांव में बहुत सारे रीति रिवाज, त्योहार, खाना, कपड़े, संगीत, नृत्य और अन्य कला है। हम उन्हें बहुत ही श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाते हैं। जैसे कि हम हर साल दशहरा का त्योहार मनाते हैं, जिसमें हम बुराई पर अच्छाई की जीत का उत्सव मनाते हैं। हम रावण के पुतले को जलाते हैं और रामलीला का नाटक देखते हैं। हम अपने घरों को फूलों और दीयों से सजाते हैं और अपने परिवार और दोस्तों के साथ खुशी मनाते हैं। फिर हम दिवाली का त्योहार मनाते हैं, जिसमें हम अंधकार पर प्रकाश की जीत का उत्सव मनाते हैं। हम अपने घरों को रंगोली और दीयों से सजाते हैं और पटाखे फोड़ते हैं।
हम मिठाई और उपहार बांटते हैं और अपने परिवार और दोस्तों के साथ खुशी मनाते हैं। इसके अलावा हम होली का त्योहार भी मनाते हैं, जिसमें हम रंगों का उत्सव मनाते हैं। हम एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाते हैं और पिचकारी और बालून से पानी फेंकते हैं। हम अपने परिवार और दोस्तों के साथ खुशी मनाते हैं। मेरे गांव में खाना भी बहुत ही स्वादिष्ट और पौष्टिक है। हम अपने खेतों से ताज़ा और शुद्ध सामग्री इस्तेमाल करते हैं और उन्हें घर पर ही बनाते हैं। हम दाल, रोटी, चावल, सब्जी, अचार, पापड़, दही, लस्सी और अन्य व्यंजन खाते हैं। हम मिठाई भी बहुत पसंद करते हैं, जैसे कि रसगुल्ला, गुलाब जामुन, जलेबी, बर्फी, लड्डू और अन्य। मेरे गांव में कपड़े भी बहुत ही सुंदर और रंगीन हैं। हम अपने खेतों से कपास उगाते हैं और उन्हें धागे में बदलते हैं। फिर हम उन धागों को रंगते हैं और उनसे कुर्ता, पायजामा, लुंगी, साड़ी, लहंगा, चोली, दुपट्टा और अन्य बनाते हैं। हम अपने कपड़ों को गोता, सितारा, चमकी, फूल, बूटी और अन्य से सजाते हैं। मेरे गांव में संगीत और नृत्य भी बहुत ही लोकप्रिय और प्राचीन है। हम अपने त्योहारों और शुभ अवसरों पर गाते और दोस्तों के साथ खुशी मनाते हैं। रामू, आप मेरे पहले और अब तक के सबसे अच्छे दोस्त हैं। आपने मुझे अपनी जिंदगी और संस्कृति के बारे में बहुत कुछ सिखाया है। आपने मुझे अपने त्योहारों, खाने, कपड़ों, संगीत, नृत्य और अन्य कलाओं का आनंद दिया है। आपने मुझे अपने रीति रिवाज, आदर्श, मूल्यों और विश्वासों का सम्मान करना सिखाया है। आपने मुझे एक नया दृष्टिकोण दिया है, जिससे मुझे इस ग्रह की सुंदरता और विविधता को समझने में मदद मिली है। हम दोनों अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे को समझते हैं। हम दोनों अपनी अपनी जिंदगी और संस्कृति से प्यार करते हैं, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे की जिंदगी और संस्कृति को स्वीकार करते हैं। हम दोनों अपने अपने ग्रह से दूर हैं, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे के पास हैं। हम दोनों एक दूसरे के लिए एक नया दोस्त हैं, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे के लिए एक पुराना साथी हैं। हम दोनों एक दूसरे के लिए एक अजनबी हैं, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे के लिए एक परिचित हैं। हम दोनों एक दूसरे के लिए एक एलियन हैं, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे के लिए एक मानव हैं। रामू, मुझे आपसे अलविदा कहना पड़ रहा है। मुझे अपने ग्रह पर वापस जाना होगा। मुझे आपकी याद आएगी। आपने मुझे एक अविस्मरणीय अनुभव दिया है। आपने मुझे एक अनमोल उपहार दिया है। आपने मुझे एक दोस्त दिया है। एलियन, मुझे भी आपसे अलविदा कहना पड़ रहा है। मुझे आपका इंतजार करना होगा। मुझे आपकी याद आएगी। आपने मुझे एक अविस्मरणीय अनुभव दिया है। आपने मुझे एक अनमोल उपहार दिया है। आपने मुझे एक दोस्त दिया है। अलविदा, मेरे दोस्त। एलियन अपने उफो में वापस अपने ग्रह चला जाता है।